देखिए दीपांशु, 10 की कमाई में जो स्टॉक मैंने आज चुना है वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो फाइनेंस पर खरीदारी की राय है। जिस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पर है, स्टॉक पे हमने एक रैली बनते हुए देखी, उसके बाद काफी समय से यानी कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला, जिसमें एक सपोर्ट चार्ट पर स्टेब्लिश हुआ है जो कि 320 रुपए के आसपास है। वहां से अब मोमेंटम स्टॉक ले रहा है, तो मुझे लगता है कि इन स्तरों पर और हल्की फुल्की गिरावट में अगर 325 के आसपास स्टॉक मिलता है तो वो ऑप्टिमम एंट्री लेवल्स हैं। थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू रखें तो मुझे लगता है कि जियो फाइनेंस में आपको अच्छी तेजी बनते हुए दिखेगी। तो गिरावट में जियो फाइनेंस में खरीदारी की राय, मुझे लगता है स्टॉक नियर टू मीडियम टर्म में बाजार को आउट परफॉर्म। ओके, तो ये है राय आपके लिए जियो फाइनेंशियल में आती हुई 10 की कमाई में निवेश के तौर पर कुणाल जी की तरफ से। कुणाल जी, टारगेट बताना भूल गए आज आप? ओवर टू बंसल जी। अनिल जी, टारगेट बताना। अनिल जी देखिए, पुरानी आदतें डली हुई हैं। तो अनिल जी, पहले मैं केवल अनिल जी ये प्रस्तावना कर रहा मैं, लेकिन टारगेट अनिल जी यहाँ पर 550 का टारगेट। बंसल जी ठीक है, एक्सेप्टेड? अनिल जी बिल्कुल रिजेक्टेड। अनिल जी ये क्या है कि आज ये मतलब कि शॉक्ड है कि इतनी जल्दी कैसे आगे 10